हेलो गाइस, थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे आज हम पैसे की बात करने वाले हैं एमबीबीएस फीस स्ट्रक्चर। सो लेट्स स्टार्ट। मायसेल्फ आयुषी गुप्ता, करेंटली इन थर्ड ईयर एमबीबीएस, एंड आज का टॉपिक है गवर्नमेंट एंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेज फीस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट गवर्नमेंट एंड देन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज फीस। सो गाइज, अगर आपने गवर्नमेंट एंड मेडिकल कॉलेज इन छत्तीसगढ़ का वीडियो नहीं देखा हुआ है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक देख सकते हो। एंड ये फीस स्ट्रक्चर 2021 सेशन के अकॉर्डिंग है और मैंने DME साइट से ये देखा था और लिंक भी मैंने प्रोवाइड कर दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, अगर आपको देखना है आप देख सकते हो। सबसे पहले हम एम स्टार्ट की बात करते हैं। यहाँ आपको 5,856 रुपीज पे करने हैं पूरे MBBS, मतलब 4.5 ईयर का। एंड मंथली आपको मेस फीस पे करना होगा जो अराउंड 3,000 to 5,000 के बीच में होगा। एंड हम सेकेंड नंबर पे पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज रायपुर की बात करते हैं। यहाँ टोटल आपको 53,500 पे करने हैं एंड इसमें आपका 40,000 ट्यूशन फीस है, 10,000 अदर्स एंड 3,500 हॉस्टल फीस है। एंड हम सिम्स की बात करते हैं, सिम्स बिलासपुर, यहाँ भी आपको 53,500 पे करने हैं। अब हम लेट बलीराम कश्यप मेमोरियल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जगदलपुर की बात करते हैं। यहाँ टोटल आपको 50,000 पे करने हैं इंक्लूडिंग हॉस्टल फीस। एंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रायगढ़, यहाँ आपको 57,000 पे करने हैं, यहाँ 7,000 हॉस्टल फीस है। एंड हम बात करते हैं राजनंदगांव, यहाँ आपको 53,500 पे करना है। एंड GMC अंबिकापुर, यहाँ भी आपको 53,500 पे करना है। अब हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं। यहाँ पहले हम श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दुर्ग भिलाई, यहाँ ट्यूशन फीस 6,45,156 आपको टोटल बताती हूँ, टोटल 10,60,156 रुपीज़ हैं आपको पे करने होंगे एडमिशन के टाइम पे। एंड रिम्स रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो रायपुर में है, यहाँ आपको टोटल 10,13,156 रुपीस पे करने होंगे एडमिशन के टाइम पे। एम्स का जो फीस स्ट्रक्चर है वो 4.5 ईयर्स के लिए है, मतलब पूरे MBBS कोर्स के लिए, लेकिन आपका बाकी जो प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेज का जो फीस है वो आपको एनुअली देने होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करो।